आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। जब बात भूतों की आती है तो अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि भूत सच में होते हैं, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि भूत की जो बात होती है वो फिजूल की बातें होती है। ऐसे में कई लोग कई ऐसे दावे कर देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले होते हैं, और लोगों का उन बातों पर भरोसा करना नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसे में एक महिला जिनका नाम कैथलीन रॉबर्ट है, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं, उन्होंने एक ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा है कि वो माइकल जैक्सन के भूत के साथ शादी कर चुकी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वही माइकल जैक्सन जो पॉप के देवता माने जाते हैं, जिन्हें लोग पूजते हैं, जिनके गाने आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसे में उनका मानना है कि माइकल जैक्सन के भूत के साथ उन्होंने शादी कर ली है, और इसको लेकर उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वो जब भी बाथरूम में जाती हैं तो माइकल जैक्सन का भूत उनके अंदर घुस जाता है और वो डांस करने लगती हैं, गाना गाने लगती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि माइकल जैक्सन का भूत उनके अंदर घुस जाता है और उनकी पसंद की चीज़ें खाने लगता है। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो माइकल जैक्सन से जुड़ी हुई अपनी कहानी बताते हुए नज़र आ रही है, यूँ कहें प्रेम कहानी बताते हुए नज़र आ रही है। क्या कह रही है वो, जरा आप भी सुनिए। Hi, I'm Kathleen. I have a story to tell you. It's about a ghost who's very famous and how he became my husband. This is Michael Jackson. I want to cut in. Yes, I'm in her. This is where we are now. I can channel through her. I'm speaking through her. That's from her memory what happened. I want to be a part of this too. We have an OnlyFans account. We're doing a different thing like TikTok. We're doing a lot of things, but we found this vocal thing. We can tell stories and give your opinion on things. And this is something we're interested in, because we're two separate people in one. And we thought, this is an interesting story that we have to tell. And people keep asking us, how did this come to be? How are we married? How did we meet? So, this is what happened. This is what happened. I think she told it very well. And it's nice to meet you all through her. And I'll step out now. Okay. I'm back. This is Kathleen now. But isn't that amazing? I think it's wonderful. We have been a couple since 2010. And we've had our problems, like other couples, but I won't get into that. Right now, I just want to tell the story of how we came to be a couple and how I came to be a medium. I was not born a medium. It's more that he interacted with me and worked with me with my ghost studying, how ghosts communicate with humans, and he was available and wanted to work with me. So, and I've channeled other ghosts as well, but I won't get into that. So, thank you for watching. तो जैसे कि आपने सुना कि कैथरीन ने अपने और माइकल जैक्सन की कहानी सबको सुनाई। उनका कहना है कि वो माइकल जैक्सन की बहुत बड़ी फैन थी और उन पे बहुत बड़ा क्रश भी था उनको। वो बताती हैं कि वो 3 साल की उम्र से माइकल जैक्सन का गाना सुनती हुई आई है और उन्हें वो माइकल जैक्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। जब उन्हें माइकल जैक्सन की मौत की खबर मिली थी तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी और कई दिनों तक डिप्रेस थी, जिसके बाद धीरे 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 वो वक्त बिताती गई और माइकल जैक्सन के बारे में और जानने की कोशिश करते गए। वक्त बीते गया और 2009 में ऐसा कुछ होने लगा जिसमें उन्हें विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि 2009 के बाद धीरे धीरे वो माइकल जैक्सन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी उनके ज़रिए ही उनके बॉडी में आ जाते हैं, उनके लिप्स हिलने लगते हैं, वो खुद से खुद ही बातें करने लगती है, उनके
हाथ हिलने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें ये चीज़ कंफर्म हो जाता है कि ये माइकल जैक्सन का ही भूत है। और धीरे धीरे फिर माइकल जैक्सन भी उनसे ये कन्फ्रंट करते हैं कि वो माइकल जैक्सन है और उन्हें इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसके साथ ही उनकी ये लव स्टोरी आगे बढ़ती है और एक दिन माइकल जैक्सन उन्हें प्रपोज भी करते हैं, जिसके बाद वो शादी के लिए मान जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। उनका ये भी कहना है कि माइकल जैक्सन जो हैं इन लेडी की जो पर्सनैलिटी है और छोटे छोटे हाथ पाँव है उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होकर इनके प्यार में पड़ गए थे, जिसके बाद उन्होंने माइकल जैक्सन के भूत से शादी कर ली। और अभी उन लोग का रिलेशनशिप भी नॉर्मल कपल के रिलेशनशिप की तरह ही है, उनके भी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों वक्त रहते ही अपने दोनों मामले को सही कर लेते हैं और उसके बाद वो नॉर्मल कपल की तरह ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हुए नज़र आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे एक अमेरिकी औरत ने एक अजीब सा दावा कर दिया जिसे सुनकर ही हैरानी होती है और जिस पर विश्वास करना नामुमकिन का सौ हो जाता है, क्योंकि एक इतने बड़े लेजेंड का नाम लेकर ये कहना कि मैंने उनके भूत के साथ शादी कर ली है, इसके पीछे कितनी सच्चाई है या फिर सच्चाई है भी या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त के साथ साफ हो ही जाएगा। लेकिन लोगों का इस मामले को लेकर काफ़ी अलग मत है, बल्कि ज़्यादातर लोग इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग इस मामले को लेकर इस औरत की खिल्ली भी उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आखिर इस मामले के पीछे कितना सच है, कितना झूठ है और कितना फसाना है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो ही जाएगा। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।